फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो जिनकी नेम सेम हो पर आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, आर्ग्यूमेंट्स को ही पैरामीटर्स भी कहा जाता है, और रिटर्न टाइप डिफरेंट हो। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। आपके सामने जो प्रोग्राम है ये हम हमारे लैपटॉप पे भी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? तो अब हमने इसमें क्या किया, हमने क्लास बनाई है सम, नेम दिया है सम, पब्लिक असेस स्पेसिफायर यूज किया है, देन इंट यूज किया है। इंट की रिटर्न टाइप हमेशा होती है, सो इंट रिटर्न क्या किया हमने, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, इंट ए इंट बी। वैल क्या है, फंक्शन का नेम। इंट इज, इंट हैज अ रिटर्न टाइप, ठीक है? अगर वर्ड यूज करते तो इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट में हमने इंट ए यूज किया है, इंट डेटा टाइप इंट यूज किया है, मतलब कि ए प्लस बी में मात्र नंबर्स ऐड होंगे, 2, 3, जो को डेसिमल टर्म्स नहीं। फिर सेम नेम का फंक्शन बनाया है इंट वैल, डबल ए डबल बी। देख रहे हैं आप, वेरिएबल भी सेम है, ए बी। फर्क क्या है, रिटर्न का, इधर ए माइनस बी इधर ए प्लस बी, एंड डेटा टाइप का इंट है, यहाँ पे डबल है, डबल इज फॉर डेसिमल्स। अब क्या किया, क्लास थी सम, ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट डॉट, दो फंक्शन है वैल 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 वैल, एक में हमने आर्ग्यूमेंट डाल दी 2.5, एक में डाल दी 2.5 7.5। सो इनका एज इट इज रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में। नाउ लेट अस परफॉर्म द सेम ऑन आवर लैपी। ये रहा हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम, जहाँ पे हमने क्लास बनाई है एड, असेस स्पेसिफायर यूज किया है पब्लिक, फिर फंक्शन डिफाइन किया है जिसकी रिटर्न दी है हमने ए प्लस बी। ये जो इंट है ये डेटा टाइप है, और यहाँ जो इंट है ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, डेटा टाइप एंड वेरिएबल। जो इंट है इसे हमने रिटर्न टाइप कहा है, ये सिंटेक्स है यहाँ पे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप आती है। अगर हम यहाँ void यूज करें तो void की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो रिटर्न ए प्लस भी नहीं आएगा। फिर इसकी जगह हम सी आउट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इंट की रिटर्न टाइप होती है, इसलिए यहाँ पे इंट में लिखे यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखते हैं। व्हेनेवर यू राइट इंट यू हैव टू रिटर्न ए वैल्यू। नाउ इंट इज सम, डेटा टाइप डबल ए डबल बी। You can see sum and sum same function, variables are same, only data types are different. Here is int, here is double, and returning a minus b. Now int main. Now our class name was class add. Now add से object बना लिया, then see out किया, sum of two numbers are, ये as it is print हो जाएगा क्योंकि double quotes में है, देन इंसर्शन ऑपरेटर, एक्चुअली फिर फंक्शन हमने लिखा ओबीजे डॉट ऑपरेटर सम 2.5, देन एंड, ठीक है? और ये क्या है, ये हमारी फंक्शन की कॉल है, ये हमारी फंक्शन की कॉल है। फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स लिखा, जिसमें हमने लिखा सेम फंक्शन ओबीजे डॉट सम 2.9 5.8, देन यहां हमने इंट लिखा तो रिटर्न जीरो, ठीक है? नाउ लेट अस कंपाइल। सो हेयर इज द रिजल्ट, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 7, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू -2। हेयर इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। So this is the program of function overloading.